السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

सफ़र की असल वजह तस्मिया क्या है सफ़र को सफ़र क्यों कहा जाता है चूँकि इस महीने में अहल अरब अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में मुंतकिल हो जाते थे और अपने घरों को बिल्कुल वीरान खाली छोड़ देते इसलिए इस महीने को सफ़र कहा गया नीज़ इस महीने को ज़मान जाहलीत में नाजिर कह के पुकारते थे नाजिर का माना होता है कि सख्त गर्मी का महीना तो अह अरब इस महीने में अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में मुंतकिल होना अपने घरों को बिल्कुल ख़ाली छोड़ देना इसीलिए इसको सफ़र कहा गया है इस सफ़र के महीने के अंदर कुछ अहम वाक़ात है रसोल सल्ला वसम ने माए खदीजा रज़ील्हा इसी माह शादी किए और गवा अबा इसी माँ दो हिजरी में पेश आया और गजवा रजी इसी माँ चार हिजरी में पेश आया बउना का वाक़ इसी माँ चार हिजरी में पेश आया बिर माउना उस में सत्तर उफ़ाज़ साहबा इकराम को धोखे से शहीद किया गया था सत्तर उफाज़ को धोखे से उसमें शहीद किया गया था और वाद खुरा को इसी माह सात हिजरी को फ़तह किया गया अमर बिन आस खालिद बिन वलीद, उस्मान बिन अबी तोलह रदील हम इसी माह आठ हिजरी को इस्लाम के अंदर दाखिल हुए अमीर अली बिन नबी तोलिब रदील्ल और औरविया रज़ील्ला के दरमियान जो वाक़ी हैं इसी माँ सैंतीस हिजरी में पेश आया इमाम मालिक बिन अनस की वफ़ात इसी माह एक सौ उनचास हजरी में वफात हुई और सलाहुद्दीन ऐबी की वफात बाईस सफ़र एटीन हिजरी मुआफिक चार मार्च एवं नाइन्टी थ्री में उनकी वफ़ात हुई ये कुछ अहम वाक़ थे जो सफ़र के महीने में हुए अल्लास आयत नंबर एक सौ सात में फ़रमाता है व इम ससकल्ला बद फ़ला काशिफ़ अल्लाद कबि ख़ैर फ़लाफ़ली युसी बिही मै शाह उम इबाद वहफ़ुर और अगर अल्लाह सुबहान त तुमको कोई तकलीफ़ पहुंचाए तो बजुज उसके और कोई उसको दूर करने वाला नहीं है और अगर वो तुमको कोई खैर पहुंचाना चाहे तो उस खैर को हटाने वाला उस फज़ल को हटाने वाला कोई नहीं वो अपना फज़ल अपने बंदों में से जिस पर चाहे निछावर कर दे वो बड़ी रहमत वाला है दूसरी जगह अल्लाह रब्लम का इरशाद हुआ मन आमिलानफली नफसी वमन फल तुम मिला जो ने करेगा वह अपनी ज़ाती भले के लिए है और जो बुराई करेगा उसका वबाल उसी पर है फिर तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे मुतफ़ अलह की रिवायत हैजरत अबू हर रदील हदी से अल्लाह के नबी सल्ह वसम ने फ़रमाया लाअवा वला सफर वला हम बीमारी का किसी दूसरे को लग जाना मनहूस समझना और बदशगोनी लेना माह सफ़र का मनहूस होना उल्लू का मनहूस होना कोई चीज़ नहीं है बीमारी का किसी चीज़ को किसी दूसरे को लग जाना और बदशगोनी लेना माह सफर का मनहूस होना उल्लू का मनहूस होना यह कोई चीज़ नहीं है अल्लाह के नबी सल वसम का ये फ़रमान सुनते ही एक आरबी ने कहा एल्ला के रसूल फ़मह बालबिली तकन फिर अन नह दिबाफिल्बिरब फ़ैद खुलबिन फ़ैजा फ़क रसूल सल्हल फ़मन आदल उस आरबी ने कहा के रसूल अगर बीमारी का किसी दूसरे को लग जाना कोई चीज़ नहीं है तो क्या वजह है ऊंट के रेवड सहरा में रहते हैं ऊंट के जो रेवड़ है वो सहरा में रहते हैं वो इस तरह साफ़ सुथरे और नशीत होते हैं गोया के हिरन हैं गाया के वो हिरन हैं लेकिन उनमें एक ऐसा ऊंट शामिल हो जाता है जो ख़ारिश ज़्यादा रहता है एक ऐसा ऊंट उस रेवड़ में दाखिल होता है जो ख़ारिश ज़्यादा रहता है पूरे रेवड़ को ख़ारिश ज़्यादा कर देता है तो वो ये बताना चाहते हैं कि आपने कहा कि बीमारी का लगना किसी को ये कोई चीज़ नहीं है किसी और को बीमारी का लगना कोई चीज़ नहीं है तो बद्दू ने कहा कि एक ऐसा रेवड़ है ऊँट का जिसके अंदर एक और ऊँट दाखिल हो जाता है जो ख़ारिश ज़्यादा है पूरे ऊँटों को ख़ारिश ज़्यादा कर देता है उस सक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम ने फ़रमाया तो ये बतलाओ कि पहले ऊंट को किसने खारिश ज़दा किया पहले ऊंट को किसने खारिश ज़दा किया तो इससे पता चलता है कि बीमारी का किसी और को लग जाना उल्लू का मनहूस होना सफ़र का महीना मनहूस होना बदशगुनी लेना यह सब क्या है अक़दे के ख़िलाफ़ है इंसान के अक़दे के खिलाफ़ है यह तमाम चीज़ें कोई चीज़ नहीं हैं देखिए अल्लाह सुबहाना व तआला महीनों में से किसी भी महीने को मनहूस नहीं बनाया जैसे लोग सफ़र के महीने को मनहूस समझते हैं तो ये कोई भी महीना बजाते ख़ुद मनहूस नहीं है हाँ अल्लाह सुबहाना ने महीनों में से एक दूसरे महीने को फज़ीलत दे रखी है फौकियत अफजलियत दे रखी है जैसे तमाम महीनों में सबसे अफजल महीना कौन सा है रमदान का महना और तमाम रातों में सबसे अफजल रात क़दर की रात है ऐसे एक दूसरे को फ़ौकियत दी है लेकिन कोई भी महना बजाते खुद क्या है मनहूस नहीं है लोग मनहूस सफ़र के महीने को इसलिए समझते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार इसी महीने में हुए थे बीमार इसी महीने में हुए थे जिसकी वजह से क्या है लोग इस महीने को मनहूस समझते हैं बल्कि ये महीना मनहूस नहीं है अगर आप इस महीने को मनहू समझते हैं तो इसके बाद आने वाला जो महीना है रबी अव्वल इस महीने में तो अल्लाह के नबी वसल्लम की, की वफ़ात हुई क्या वो महीना भी मनहू से नहीं है तो ये सब ग़लत अकायद है इंसानों को इन तमाम अकाइद से दूर होना चाहिए और इसी तरीके से बाज़ लोग जो है इस महीने के आखिरी चार शुबे को कुछ ऐसे अमाल करते हैं क्यों ये आमाल करते हैं जैसे गसल करना है खुशबू लगाना है अच्छे कपड़े पहनना है और तफरी के नाम से पार्क वगैरह में जाना है ये क्यों करते हैं इनका अकीदा ये है कि इस महीने के आखिरी चार शुबे को अल्लाह के नबी नबीम बीमारी से अच्छे हो गए थे यानी कि उनकी इफ़ाक़ा हो गया था अच्छे हो गए थे तो इस आखिरी चार शुबे को ये लोग क्या करते हैं गसल करके खुशबू लगा के अच्छे कपड़े पहन कर, पार्क वगैरह में तफरी वगैरह में सब निकल जाते हैं ये सब बिदात हैं ये सब विदाएँ थे बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी थी वो बीमारी से कुछ इफ़ाका हुए उसके अंदर ये नहीं है कि बाकायदा तौर तो पर अल्लाह के नबी वम बीमार हुए तो इसको मनहूस मानो आखिरी चार शुभ का अच्छे हो गए तो फिर अच्छे कपड़े पहनो ये अल्लाह के नबी वसल्लम से और उनके अहदीत से हमें कोई साबित नहीं है कि ये तमाम की तमाम चीज़ें हम अपने ऊपर जायज़ कर लें हराम कर लें ये सब मुनासिब नहीं है इसलिए हमें चाहिए कि किसी भी महीने को मनहूस ना समझे और किसी भी दिन को मनहोस ना समझे जैसे अहले अरब जो है बुधवार को मनोस समझते थे बुधवार को दिन में बुधवार को समझते थे महीनों में सफ़र को मनो समझते थे उल्लू को मनो समझते थे एक आदमी गुजर रहा है कोई चीख दिया उस आदमी नहो लेते थे ये तमाम चीज़ें इंसान को क्या है शिरक तक ले जाती हैं इंसान को मुकम्मल भरोसा कामिल भरोसा अल्लाह रब्बुल रबालमिन के दादात पर होना चाहिए और इसी तरीके से अगर वो हमारा आमाल जितना अच्छा रहेगा हम जितने अच्छे नेक नेकमाल करेंगे हमारे नेक कामाल के हिसाब से वो महीना बरकत वाला रहेगा और जो आमाल जब हमारे अमाल बुरे रहेंगे हम गुनाह करते रहेंगे जिसकी वजह से वह वो महना वो दिन हमारे लिए नहसत वाला बनेगा नेक अमाल हमेशा करते रहें सही अकीदा को लेकर सही सुन्नत के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रब्बुल आलमीन मुझे और आपको कही सुनी बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रामए और सही अक़ायद को लेकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता तरमाए और सही सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता आमीन अँ आखिर आमिन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन